हेलो प्यारे बच्चों, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर एकेडमी। हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट किया था और आपने आई होप लास्ट लेक्चर देखा भी होगा, जहां पे हमने लेविस डॉट स्ट्रक्चर की बात की थी और आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सिखाया था। लेविस कॉन्सेप्ट के पीछे कॉन्सेप्ट क्या था कि हर एलिमेंट अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करने की कोशिश करता है। हर एलिमेंट की टेंडेंसी होती है कि या तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे या तो अपना वो डुप्लेट कंप्लीट करे। चूंकि कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट और डुप्लेट मेन रीजन था किसके, बॉन्डिंग का, और वो स्टेबल कॉन्फिगरेशन था। लेकिन लास्ट में जाते जाते हमने ये भी देखा कि कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं या कुछ मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन ऐसे भी होता है जहाँ पे ऑक्टेट का कंप्लीशन नहीं होता है। कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल बन रहे थे जहाँ पे ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो रहे थे, कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल थे जिनके सारे इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं हो रहे थे, जिसको ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहते हैं। यहाँ तक हो गया था ना। आज उसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, जिसको आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। पक्की बात। आइए सबसे पहले हम लोग कहानी को क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है विच अमाउंट ऑफ फॉलोइंग सो लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। इसमें से किस चार ऑप्शन में से जो मॉलिक्यूल है जिसमें ऑक्टेट का लिमिटेशन, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ऑक्टेट रूल नहीं लग रहा होगा, मतलब जो भी एटम होगा उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। CH4 में ऑलरेडी कार्बन के चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार बॉन्ड बनता है, ऑक्टेट कंप्लीट है। CO2 में ऑक्सीजन के छह इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाएगा, तो CO2 में भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। NH4+ में भी इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, पाँच। चूंकि एक प्लस चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन का ये क्या करेगा, लॉस करेगा, कार्बन जैसा हो जाएगा, चार बॉन्ड बनाएगा, हाँ या ना। तो एक ही ऑप्शन है। अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूं तो ये स्ट्रक्चर ऐसा होगा CH4 का, ऑक्टेट कंप्लीट। CO2 की बात करोगे, हर एलिमेंट का ऑक्टेट। NH4+ की बात करो, एक ही एलिमेंट है NO जो ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में मैंने बताया था, क्योंकि N के ऑक्सीजन के तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे, बोलो, है ना। लेकिन नाइट्रोजन का एक ऑड इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसी वजह से इसका क्या था, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट का ये एग्जांपल था। इज दैट क्लियर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कहते हैं देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल नेवर ओबे ऑक्टेट रूल। इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करेगा। तो कहा था हाइड्रोजन और लिथियम को छोड़ दो, बाकी ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, और हाइड्रोजन एंड लिथियम क्या कंप्लीट करते हैं, डुप्लेट। तो हाइड्रोजन आंसर कौन सा हो जाएगा, बोलो, हाँ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, विच इज नॉट एन एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। इसमें से कौन ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन नहीं है। तो पहला देखोगे BF3, तो वहां पे इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, बोलो। दूसरा SiCl4, तो कार्बन फैमिली का ही ना, कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। तो अगर कार्बन चार बॉन्ड बनाता है तो सिलिकन भी कितना बॉन्ड बनाएगा, चार, तो ये एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट नहीं है। BeCl2 में देखोगे बेरिलियम के पास दो इलेक्ट्रॉन है, चार बॉन्ड बनाएगा, ये भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। CLO2 की बात करोगे, किसके बाद, CLO2 की बात करोगे, तो हाइड्रोजन के पास क्या होते हैं, तीन लोन पेयर, एक बॉन्ड पेयर, बोलो, है ना। लेकिन इस केस में ये जो हाइड्रोजन है ये कितना बॉन्ड बना रहा है, देखो, दो ऑक्सीजन तो हमेशा डबल बॉन्ड बनाएगा ना, तो देखो यहाँ ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो इस केस में इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इस केस में इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, यहाँ मोर देन वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर ऑक्टेट है, तो ऑप्शन क्या होगा, SiCl4। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच कंडीशन फेवर द बॉन्ड फॉर्मेशन। इसमें से कौन सा कंडीशन बॉन्ड फॉर्मेशन को फेवर कर रहा है। तो बॉन्ड कभी भी दो एटम में तभी बनता है ना जब उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, इनर्जी कम होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, यही हो सकता है ना। तो मैक्सिमम अट्रैक्शन एंड मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी मैक्सिमम होगा तो बॉन्ड बनेगा ही नहीं, बॉन्ड स्टेबल तभी होगा जब एनर्जी क्या होगा, मिनिमम। तो अट्रैक्शन मैक्सिमम होना चाहिए और एनर्जी क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड मैक्सिमम अट्रैक्शन, यही होगा ना थर्ड ऑप्शन, बोलो, हाँ ना। तो ये लेविस कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको साथ डिस्कस किया। आइए आज के क्लास का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। अब मैं तुमको आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, ऑलरेडी हम लोग लेविस स्ट्रक्चर में इसका बेसिक कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं,
आयनिक बॉन्ड में क्या होगा, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। आयनिक बॉन्ड में क्या होगा, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। एक एटम वो होगा जो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। डोनेट वो करेगा जिसका ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, बोलो भाई ना। दूसरा एटम वो होगा जिसका ऑक्टेट से कम होगा, तो एक जिसका ज़्यादा है वो डोनेट करेगा, जिसका कम है वो एक्सेप्ट करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन डोनर, दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जो डोनर होगा वो कैटायन बनाएगा, एक्सेप्टर होगा वो एनायन बनाएगा, और दोनों अपोजिट आयन के बीच में क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। उसी बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम लोग, आयनिक बॉन्ड। पहले हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग इस पे आएंगे कि क्या कह रहा है नहीं कह रहा है। अगर मैं आपसे एग्जाम्पल डिस्कस करूं, देखना, तुम ये इनर्ट गैस ले लो, आईजी मतलब इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का कंप्लीट ऑक्टेट, बोलो हाँ ना, फुलफिल ऑर्बिटल होगा। तो जो इनर्ट गैस है उसका क्या होगा, फुलफिल ऑर्बिटल मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। क्या मेरी बात हर एक बच्चों को समझ में आ रही है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये भी हो कह सकते हो कंप्लीट ऑक्टेट, अरे बोलो हाँ ना। तो इसका जो ऑक्टेट होगा, इनर्ट गैस हर पीरियड के लास्ट में है, बोलो भाई ना। तो जैसे ही इनर्ट गैस के आगे जाओगे अगले पीरियड का स्टार्टिंग एलिमेंट आ जाएगा, तो उसका इलेक्ट्रॉन जस्ट इनर्ट गैस से ज़्यादा होगा। तो जो एलिमेंट इनर्ट गैस के आगे आएंगे उनका इनर्ट गैस से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, और जो एलिमेंट इनर्ट गैस से पहले होंगे उनका इनर्ट गैस से जस्ट कम इलेक्ट्रॉन होगा, बोलो भाई ना। इनर्ट गैस से जो पहले होगा उसका इनर्ट गैस से कम इलेक्ट्रॉन होगा, और जो इनर्ट गैस के बाद होगा उसका इनर्ट गैस से जस्ट ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, बोलो भाई ना। तो इसका क्या होगा, लेस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्टेट, सोच के देखो। और इसका क्या होगा, मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्टेट। अगर मैं एक एग्जांपल से बात करता हूं, मैं एग्जांपल के लिए यहां पे ले लेता हूं नियन, क्या ले लेता हूं, नियन एटॉमिक नंबर 10, बोलो है ना। तो यहां पे मैं एक एलिमेंट ले लेता हूं नियन एटॉमिक नंबर 10। तो नियन से जस्ट आगे क्या होगा, सोडियम। नियन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p6। तो जस्ट इसके आगे का एक एलिमेंट है सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियन 10 3s1। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से यह अनस्टेबल हो रहा है। और जस्ट इसके पहले एक एलिमेंट लेता हूँ फ्लोरीन 9, क्या हो जाएगा, 2s2 2p5। जस्ट देखो नियन से कम इलेक्ट्रॉन है, बोलो। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होगी, इसका एक इलेक्ट्रॉन, बोलो है ना। तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होगी, और इसकी टेंडेंसी क्या होगी, अरे करेगा ना इलेक्ट्रॉन गेन, बोलो। तो इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो ये एनायन बनाएगा, और वो क्या बनाएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ एनायन। और यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ, और ये कैटायन इस एनायन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। और बोलो जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो मेटल होगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो क्या होगा, तो जितना ज़्यादा मेटेलिक करेक्टर होगा इधर, जितना ज़्यादा नॉन मेटेलिक करेक्टर होगा उतना स्ट्रॉन्गर आयनिक बॉन्ड बनेगा। अब ये चूंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो सोडियम, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होगी, तो ये क्या बनाएगा, कैटायन। अब मान लो कि दो अलग अलग मेटल है, एक का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, दूसरे का आयनाइजेशन एनर्जी कम है, तो कौन इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, जिसका आयनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए। ज़्यादा मतलब उससे इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी लग रही है, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन अपने पास रखने का मन होगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी पर निकल रही है इसका मतलब क्या होगा कि वो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा। तो इसका क्या होना चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी कम या ज़्यादा, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा, जितना कम आयनाइजेशन एनर्जी होगा उतना इजीली वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, बोलो भाई ना। तो इधर जो आयनाइजेशन एनर्जी है ये क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और इधर एनायन बना रहा है तो इधर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना चाहिए, ज़्यादा। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा किसका होता है, तुम कहोगे सर नॉन मेटल का, और इधर ये किसका होता है, मेटल्स का। अगर मैं इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, क्या ड्रॉ करूं, तो ये सोडियम है, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है 3s1 का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, फ्लोरीन,
फ्लोरीन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7, 1, 4, 6 और 7। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको गेन करना है? तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन अपना लॉस किया, फ्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? गेन किया। बोलो, तो सोडियम ने अपना कंप्लीट एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को दे दिया, तो सोडियम पे कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज। फ्लोरीन पे कौन सा चार्ज आया? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम एटम टू फ्लोरीन एटम, सोडियम विल फॉर्म देयर कैटायन एंड फ्लोरीन विल फॉर्म देयर एनायन। अब ये दोनों आयन एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? अट्रैक्शन शो करेंगे, और उस अट्रैक्शन को क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड। बोलो, है ना? और इस केस में ये जो कंपाउंड होगा ये क्या होगा? NaF। अब समझो, मान लो ये सोडियम है, तो ये सोडियम Na प्लस, जरूरी थोड़ी ना कि एक ही फ्लोरीन को अट्रैक्ट करेगा, वो अपने नियर बाय हर फ्लोराइड आयन को अट्रैक्ट करेगा। बोलो, है ना? और ये जो फ्लोराइड आयन है अपने नियर बाय हर सोडियम आयन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो कैटायन एनायन से सराउंडेड होगा, और हर एक एनायन हर एक कैटायन से सराउंडेड होगा। तो यहाँ पे कोई पार्टिकुलर एक ही ऐसा नहीं है कि दो आयन अट्रैक्ट करेंगे। बोलो ना, है ना? मान लो तुम बैठे हो, तुम्हारे आगे पांच खूबसूरत लोग दिख रहे हैं, तो पांचों को देखोगे? बोलो, है ना? उस पांच खूबसूरत लोग के आगे और पांच लोग हैं, तो वो भी पांचों को देखेंगे। तो यहाँ पे एक कैटायन अपने नियर बाई एनायन को अट्रैक्ट करता है, और एक एनायन अपने नियर बाई कैटायन को अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे कोई पार्टिकुलर बॉन्ड जैसा नहीं होता है, इसलिए आयनिक कंपाउंड में क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। क्या मेरी बात समझ में आई? आयनिक बॉन्ड एक्चुअली में समझ में आया? तब आ जाओ, हम लोग देख लेते हैं आयनिक बॉन्ड कहता क्या है। कहता है द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू और मोर एटम एज ए रिजल्ट ऑफ द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। आयनिक बॉन्ड कभी भी दो और दो से ज्यादा एटम के बीच में होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होगा। एक इलेक्ट्रॉन का भी हो सकता है, और एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। उस ट्रांसफर से एक कैटायन बनाएगा और एक एनायन बनाएगा, और उस कैटायन और एनायन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसी को क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड। दूसरा कहता है कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, जो कैटायन बनाएगा, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होगा, और वो क्या होगा? मेटल होगा। और जो एनायन बनाएगा, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, वो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का होगा। बोलो, हाँ ना? फिर तीसरा कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन और एनायन आर कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड। जो दोनों आयन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? आयनिक बॉन्ड। और कभी भी आयनिक बॉन्ड अगर है तो वो डायरेक्शनल होगा क्या? नहीं, ये नॉन डायरेक्शनल होता है। अगर ये कैटायन है, इधर एनायन है, तो भी उतना ही फोर्स अट्रैक्ट करेगा, इधर है तो भी क्या होगा? इधर नहीं फोर्स है। हर दो आयन एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे है, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में है, उनके बीच का फोर्स क्या होगा? इक्वल होगा। तो हमेशा ये कैसा होगा? नॉन, कैसा होगा बेटा? नॉन डायरेक्शनल नेचर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों को? आयनिक बॉन्ड कोई दिक्कत? नेक्स्ट कहता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेचर ऑफ आयनिक बॉन्ड। जो एटम, जो दो एटम के बीच में कैटायन और एनायन बन रहा है, जो दो एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनके बीच में जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होगा, उतना ज़्यादा आयनिक नेचर ज़्यादा होगा, मतलब उतना इजीली कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन होगा। मेटल को क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो मेटल का आयनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए? कम। नॉन मेटल को इलेक्ट्रोनिगेटिव, उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? ज़्यादा। तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी ज़्यादा होगी, और इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी? कम। जितना ज़्यादा दोनों मेटल के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होगा, उतना ज़्यादा उस बॉन्ड का आयनिक नेचर होगा, उतना ईजिली कैटायन और एनायन बनेंगे, उतना स्ट्रॉन्गर आयनिक बॉन्ड होगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट कहता है एग्जाम्पल में ग्रुप वन एंड ग्रुप सेवन एलिमेंट आर मोस्टली आयनिक कंपाउंड। देखो, ग्रुप वन जो पीरियोडिक टेबल के सबसे लेफ्ट में है, उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे कम, अरे बोलो ना। और ग्रुप सेवन कौन सा हो गया? हेलोजन। देखो, ग्रुप वन ये है वन, और ग्रुप सेवन कौन सा है? ये कौन सा फैमिली है? हेलोजन, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। और ग्रुप वन कौन सा है? अल्कली मेटल, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ये क्या है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और ये क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव।
इसके बीच में आयनिक नेचर उतना क्या होगा, ज्यादा हो, बोलो है ना। अब इसमें भी देखो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव में ऊपर से नीचे आने पे मेटेलिक करेक्टर बढ़ती है, आयनोसन एनर्जी कम होती है, तो सबसे नीचे क्या है, लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम सीजियम, तो सबसे अच्छा क्या होगा सीजियम, और सबसे ज़्यादा क्या होगा फ्लोरीन, तो सीजियम फ्लोराइड पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा आयनिक कंपाउंड है। क्या मेरी बात समझ में आए, तो ये लिखा हुआ है, कह रहा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंसी। कोई भी मेटल जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन करेगा वही उसकी क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाएगी। जैसे एक और एग्जांपल से मैं आपको अगर समझाऊं इलेक्ट्रोवैलेंसी अलग अलग लेने के लिए, जैसे अभी हमने सोडियम का देखा, पक्की बात सोडियम एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन नियॉन 10 3s1, क्या कुछ गलत कह रहा हूँ, 3s1 ले कह रहा हूँ। और ऑक्सीजन की बात कर दूँ 8, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन 2s2 2p4, कितने इलेक्ट्रॉन सिलेक्शन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो ये क्या करेगा सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन है इसके कितने इलेक्ट्रॉन, तो ये कितने लॉस कर सकता है 1। ऑक्सीजन ऑक्टेट से कितने कम है 2, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है ऑक्टेट में 8 होने चाहिए, तो ये गेन करेगा तो 2 करेगा तभी ऑक्टेट पूरा होगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये 1 भी करके 1 ही करेगा। यहाँ पे भी एक और सोडियम है X, तो सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, सोडियम ने 1 ही किया, तो सोडियम पे कौन सा चार्ज आएगा, तो सोडियम की वैलेंसी कितनी हो गई 1। ऑक्सीजन ने कितना गेन किया, ऑक्सीजन गेन कितना हो गया 2 हो गई, बोलो है ना। तो सोडियम ने 1 लॉस किया तो इसकी वैलेंसी 1 हुई, ऑक्सीजन ने 2 गेन किया तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई। अब इसको अपोजिट आयन से मल्टीप्लाई करोगे तो कंपाउंड क्या मिलेगा Na2। तो किसी एक कंपाउंड में प्रेजेंट एलिमेंट या प्रेजेंट एटम की इलेक्ट्रोवैलेंसी अलग अलग हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे सोडियम की वैलेंसी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो गई 1, ऑक्सीजन की कितनी हो गई 2। समझ में आया। जैसे अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूँ, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर कितना 12, बोलो मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, नियन 10, बोलो हाँ ना, पक्की बात। और अगर यहाँ क्लोरीन ले लो तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन 7, इसके यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 2, मैग्नीशियम कितना लॉस करेगा 2, अरे 2 लॉस करेगा तभी नहीं है जैसा हो जाएगा। और सोडियम कितना गेन करेगा 7 है 8 होने चाहिए 1 गेन करेगा, तो क्या हो जाएगा ये क्लोरीन, तो ये 1 ही गेन कर सकता है, तो इसको टोटल कितने क्लोरीन लगेंगे 2, तो 1 क्लोरीन और ले लो। एक मैग्नीशियम ने कितना लॉस किया, तो यहाँ पे Mg पे कौन सा चार्ज होगा +2, और एक क्लोरीन ने कितना गेन किया, अपोजिट आयन से मल्टीप्लाई कर दो तो कंपाउंड क्या बनेगा। तो इस केस में मैग्नीशियम ने चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो जाएगी 2, और क्लोरीन ने 1 गेन किया तो इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो जाएगी 1। क्या मेरी बात समझ में आई। तो ये भी कहता हूँ कि जैसे यहाँ पे कैटायन की वैलेंसी 1 है, एनायन की 2 है, यहाँ पे कैटायन की 2 हो गई, एनायन की क्या हो गई 1, वो डिपेंड करता है कि कौन एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, कौन एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यही उसकी इलेक्ट्रो वैलेंसी होगी। क्या यहाँ तक बात समझ में आई, हाँ या ना। अब कहता है कि किसी भी आयनिक कंपाउंड को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, किसी भी आयनिक कंपाउंड को आप, तो हमने ऑलरेडी लेविस डॉट स्ट्रक्चर से इसको पढ़ दिया गया है कि जो भी मेटल होंगे वो जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं उस पर चार्ज प्लस में लिख दो, क्योंकि लॉस करेंगे तो कैटायन बनेंगे तो उसको प्लस चार्ज लिखो, और जो भी एनायन है जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उसके चार्ज को क्या लिखो, माइनस से लिख लो। कभी भी एलिमेंट के नंबर को नहीं लिखते हैं। जैसे इस पे देख लो, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है तो मैग्नीशियम पे चार्ज क्या लिखा +2, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इस पे चार्ज क्या लिखा -1, और अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। इस केस में सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है तो सोडियम पे चार्ज +1, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन का क्या किया गेन किया है तो इस पे चार्ज कितना -2, अपोजिट से मल्टीप्लाई कर दो तो Na2 हो सोडियम ऑक्साइड, बोलो हाँ ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो यही दिया हुआ है कि किसी भी
आयनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। कह रहे हैं राइट द सिंबल ऑफ आयन साइड बाय साइड इन सच ए वे दैट पॉजिटिव आयन इज एट लेफ्ट। पॉजिटिव आयन को कहाँ लिखते हैं? लेफ्ट। मतलब सबसे पहले कैटायन को लिखते हैं, फिर किसको लिखते हैं? एनायन को, एंड निगेटिव आयन एट राइट। तो यहाँ पे हमने कंपाउंड को कैसे लिख दिया? ए प्लस एन बी माइनस में। तो लेफ्ट मतलब पहले कैटायन को लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं? एनायन। कभी भी आयनिक कंपाउंड में कैटायन, पहले कैटायन को लिखते हैं, फिर किसको? एनायन को। जब इस कंपाउंड को हम लोग फॉर्मूला लिखना पड़े तो कैटायन का जो चार्ज होगा वो एनायन का नंबर होगा, और एनायन का चार्ज होगा वो क्या होगा? पक्की बात। तो मैं लिख भी देता हूँ, नंबर ऑफ कैटायन इज इक्वल टू चार्ज ऑन क्या? एनायन। बोलो है ना, पक्की बात। और दूसरा, नंबर ऑफ एनायन इज इक्वल टू चार्ज ऑन, क्या मेरी बात गलत है? ऐसा ही है। फिर ये लिखा हुआ है राइट देयर इलेक्ट्रोवैलेंसी इन द फिगर ऑफ टॉप, और जिसने जितने आयन को लॉस, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी को ऊपर लिखो। जरूरी नहीं कि हमेशा चार्ज प्लस वन और प्लस वन ही हो। अगर कोई कैटायन दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो क्या लिखोगे? ए प्लस टू। कोई एनायन तीन इलेक्ट्रॉन का गेन करता है तो बी माइनस थ्री, और दोनों के अपोजिट नंबर से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। बोलो ना, हाँ है ना। और फिर यही लिखा हुआ है, आप क्रिस क्रॉस क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, आपको कंपाउंड मिल जाएगा। जैसे ये कंपाउंड कैल्शियम क्लोराइड में, कैल्शियम दो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो इस पर चार्ज कितना होगा? टू। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन का गेन कर, चार्ज कितना होगा? अब इसको मल्टीप्लाई कर दो अपोजिट से तो क्या हो जाएगा? CaCl। समझ में आने आया? कोई दिक्कत? क्लियर हुआ? इसलिए हमने स्टार्टिंग के दो लेक्चर में लेविस डॉट स्ट्रक्चर पे टाइम दिया था, ताकि तुम इजीली समझ जाओ कि आयनिक कंपाउंड बनते कैसे हैं, कब कैटायन फॉर्मेशन होगा, कब एनायन फॉर्मेशन होगा, कैटायन कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, एनायन कितना इलेक्ट्रॉन गेन करके। अब इतना तक समझ में आया होगा तुमको? इसमें कोई दिक्कत? अब कहता है कि किसी भी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। क्या कह रहा है? किसी भी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं बॉर्न हैबर साइकिल। क्या बोलते हैं इसको? अब बॉर्न हैबर साइकिल क्या समझाता है, अपन इस चीज को समझते हैं। कह रहा है मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड या आयनिक क्रिस्टल। अब मान लो कि हम NaCl बनाने की कोशिश करते हैं। किससे बनाने की कोशिश करते हैं? सोडियम क्लोराइड। एक एग्जांपल हम लिख लेते हैं कि अपने को बनाना है। NaCl किस फॉर्म में होता है? सॉलिड के फॉर्म में। तो ये तो सॉलिड होगा, ये बनेगा किससे? तो NaCl हमेशा किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम या पार्टिकल या एलिमेंट से बनता है। तो NaCl में दो एटम कौन कौन सा है? सोडियम एंड क्लोरीन। तो ये किससे बनेगा? सोडियम से और क्लोरीन। तो एक चीज बनेगा ये सोडियम से, और दूसरा किससे बनेगा? क्लोरीन। सोडियम किस फॉर्म में होता है? सोडियम मेटल है, मेटल आर जनरली सॉलिड इन नेचर। तो ये सोडियम किस में होगा? क्लोरीन किस में होगा? गैस में। तो यहाँ पे क्लोरीन किस में है? गैस। और किसी भी कंपाउंड के फॉर्मेशन में, किसी भी कंपाउंड के फॉर्मेशन जो एनर्जी का चेंज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं चेंज इन एनर्जी। पहले भी कहा था, या उसी को कहते हैं इंथैल्पी। कहाँ पे? अनायसन इंथैल्पी में, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में। तो इसी को, इसमें जो एनर्जी चेंज होगा उसको डेल्टा एच एफ कहते हैं, मतलब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। डेल्टा एच मतलब चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी मतलब चेंज इन एनर्जी समझ लो। और चूंकि फॉर्मेशन ऑफ NaCl है तो इसको क्या बोलते हैं? एफ, फॉर्मेशन। पक्की बात? तो इसको बोलते हैं। और मैं तुमको स्टार्टिंग में ही कहा था, अगर किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है तो एनर्जी रिलीज होगा या एब्जॉर्ब होगा? रिलीज होगा। देखो बॉन्ड भी बन रही थी तो वो अपने मिनिमम एनर्जी पे आ रहा था, तो ज्यादा से कम एनर्जी पे आएगा तो एनर्जी का क्या करेगा? लॉस करेगा। तो हमेशा किसी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, केमिस्ट्री में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा। बोलो है ना। तो मगर समझो कि किसी के फॉर्मेशन में 10 जूल एनर्जी रिलीज हो रहा है और किसी के फॉर्मेशन में 100 जूल एनर्जी रिलीज हो रहा है, बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा? 100 जूल वाला, क्योंकि जब उसको तोड़ोगे भी ना तो उसमें 100 जूल एनर्जी लगेगा। अरे बोलो ना, है ना। अगर उसके फॉर्मेशन में 100 जूल एनर्जी रिलीज हुई है
तो तोड़ने में भी कितना लगेगा? तो मतलब ज़्यादा एनर्जी पे टूटेगा, इसका मतलब ज़्यादा मजबूत है। बोलो ना हाय ना, क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? नहीं। तो ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। अब ध्यान से देख, अब किसी भी आयनिक कंपाउंड का अगर हम फॉर्मेशन की बात करते हैं तो पहले इक्वेशन को देख, यहाँ पे कितने क्लोरीन है? एक, यहाँ भी कितने हैं? दो। अब स्टेप बाय स्टेप किसी भी आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में जो एनर्जी का चेंज होता है या एनर्जी चेंजेज होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं बॉर्न-हैबर्ट साइकिल। अब सबसे पहला काम है कि ये सोडियम को तुम कहाँ लाओगे? अरे NaCl किससे बनेंगे? Na प्लस NaCl माइनस है, सोच के देखना किससे बनेगा। तो Na प्लस का क्या देखोगे? आयनाइजेशन एनर्जी। और इसका क्या देखोगे? इलेक्ट्रॉनिक्विटी। क्या इसमें किसी बच्चों को दिक्कत? तुमको व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। किससे? आइसोलेटेड होना चाहिए और गैसियस होना चाहिए। यहाँ पे सोडियम किस फॉर्म में है? सॉलिड को पहले कहाँ लाओगे? गैस में लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? तो पहले इस Na प्लस को ये कहाँ लाना पड़ेगा? Na प्लस को गैस में लाना पड़ेगा। फिर इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के कहाँ लाना पड़ेगा? Na प्लस में। क्या मैं गलत कह रहा हूँ क्या? चूंकि इस मॉलिक्यूल को, सोडियम को सॉलिड से कहाँ ला रहे हो तुम? गैस में। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस, दैट इज कॉल्ड एज। तो यहाँ पे जो एनर्जी लगेगी वो सब्लिमेशन लगेगा, और सॉलिड को गैस में लाने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज, एनर्जी एब्जॉर्ब। अरे देखो कपूरदानी होता है कैम्फर, उसको कपूरदानी में डालते हो, इलेक्ट्रिसिटी में लगाते हो, तभी तो वो गैस का धुआं निकलता है ना। बोलो ना है ना। तो उसमें हीट करते हो ना, कपूरदानी गर्म होता है इलेक्ट्रिसिटी पे, तभी कपूर डालते हो कैम्फर, वो सब्लिमेट होकर धुएं के फॉर्म में आता है, तो एनर्जी देना पड़ रहा है ना। तो याद रखना, अब साइन कन्वेंशन, कभी भी अगर एनर्जी एब्जॉर्ब है, एनर्जी एब्जॉर्ब का मतलब इंडोथर्मिक, एनर्जी एब्जॉर्ब है तो इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? बोलो बेटा किससे? इंडोथर्मिक। और यहाँ पे एनर्जी को प्लस से लिखेंगे। और कभी भी अगर एनर्जी रिलीज होगा, तो ये प्रोसेस कैसा होगा? एक्सोथर्मिक। तो इसको कैसे लिखेंगे? बोलो है ना। तो बताओ सब्लिमेशन एनर्जी प्लस में या माइनस में? अरे एनर्जी दे रहे हैं ना। बोलो है ना। अब Na से Na प्लस में आ गया, कौन सा एनर्जी? आयनाइजेशन एनर्जी। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी फिर दे रहे हो, तो ये भी एनर्जी किस में? बोलो है ना। What is electron affinity? When an electron is added to outermost orbit of isolated gaseous atom. Electron निकालना भी है तो isolated gaseous atom से electron add भी करना है तो isolated gaseous atom में। अब यहाँ पे Cl2 molecule के form में है कि atom के form में? Molecule के form में। बोलो ना है ना, किसके form में है? Molecule के form में है। तो यहाँ पे बॉन्ड किसके बीच में होगा? दो क्लोरीन एटम के बीच में। तो सबसे पहले ये जो दो क्लोरीन एटम है मैं इधर लिखता हूँ, तो अपने को इसी बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, और इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो ये दो क्लोरीन एटम में आ जाएगा, और ये किस फॉर्म में है? Cl2 मॉलिक्यूल। तो पहले मॉलिक्यूल को एटम में लाना पड़ेगा। बोलो हाँ ना। तो इसको कहाँ लाना पड़ेगा? 2Cl एटम। अभी भी ये गैस था तो स्टेट क्या रहेगा? गैस। ये इस केस में हम बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, तो बॉन्ड फॉर्मेशन, जब बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रहा है, एक जो है, तो जब बॉन्ड को तोड़ेंगे तो प्रोसेस क्या हो जाएगा? इंडोथर्मिक। स्टेप क्या होगा? कितनी एनर्जी लगेगा? तो जितना बॉन्ड एनर्जी होगी उतना ही लगेगा ना। अरे जितना बनने में एनर्जी रिलीज किया होगा तोड़ने में उतना ही देना पड़ेगा, तो इसी को बॉन्ड एनर्जी बोल दे, या इसी को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी तुम दे रहे हो, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, तो ये किस में होगा? प्लस। बोलो ना हाई ना। पक्की बात? पक्की बात। ठीक। अब इस क्लोरीन से कहाँ लाना है? अब इस क्लोरीन से इसको कहाँ लाना है?
सी एल माइनस में, बोलो है ना। अब ध्यान से देख, इस मॉलिक्यूल के पहले फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। इस मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में एक सोडियम है, एक मॉलिक्यूल, यहाँ क्लोरीन कितने, एक, तो ये मॉलिक्यूल कितना होगा, हाफ, बोलो। तो पूरा एक मोल ऑफ सी एल टू को तोड़ रहे हो कि हाफ को, हाफ को, तो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी कितना होगा, बाई टू, बोलो ना, हाई ना। तो हाफ, एक मॉलिक्यूल में दो क्लोरीन, तो हाफ मॉलिक्यूल में एक क्लोरीन, बोलो ना, हाई ना। तो यहाँ पे क्लोरीन कितना हो जाएगा, एक। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलो अब इस सी एल टू से यहाँ लाए, इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इसमें जो इंथैल्पी चेंज होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो ये क्या हो जाएगा इस स्टेप का, डेल्टा एच ई जी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, एक्जोथर्मिक या एंडोथर्मिक, एक्जोथर्मिक। तो ये एनर्जी किस में, माइनस, बोलो ना, हाई ना। अब ये कैटायन, ये एनायन एक दूसरे को क्या करेगा, अप्रोच करेगा, अप्रोच करेगा तो अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करेगा तो पास आएगा, बोलो, है ना। जब पास आएंगे तो ये दोनों अपने एनर्जी को क्या करेगा, लॉस करेगा, बोलो, है ना। और ये जो एनर्जी लॉस होगा उस एनर्जी को बोलते हैं, चूंकि यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, NaCl क्रिस्टल, यही है ना, NaCl क्रिस्टल, बोलो, है ना। दैट एनर्जी जो यहाँ पे एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब, दोनों आयन पास है, एनर्जी रिलीज, ये जो रिलीज एनर्जी है, ये जो रिलीज एनर्जी, इसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी, लैटिस। और चूंकि एनर्जी रिलीज हो रहा है, ये एनर्जी किसमें होगा, नेगेटिव में। अब ये हर स्टेप बाय स्टेप जहां एनर्जी खर्च हुआ है, ये सारे एनर्जी को जोड़ दो तो अपने को क्या मिल जाएगा, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। किसी भी आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में यही स्टेप बाय स्टेप होगा। कैटायन सॉलिड में तो गैस लाया, सब्लिमेशन एनर्जी, गैस को कैटायन बना दिया, बोलो ना, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाँ या ना। ये क्या था, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल को एटम में लाया तो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी, इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देख लिया तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। और दोनों आयन से जो एनर्जी लीज होगा उसको क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी, जिसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और हर स्टेप बाय स्टेप एनर्जी को जोड़ दो तो अपने को क्या मिल जाएगा, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, बोलो, हाँ ना, पक्की बात। तो हर स्टेप बाय स्टेप एनर्जी को अगर मैं ऐड कर दूं तो अपने को क्या मिल जाएगा, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, पक्की बात। तो आ जाओ, सबसे पहले मैं तुमको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिख देता हूँ। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा एच एफ को क्या बोलते हैं, ये ना, चेंज इन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। कहाँ कहाँ एनर्जी दिया है, सबसे पहले एनर्जी क्या दिया है, सब्लिमेशन एनर्जी, फिर क्या दिया है, आयनाइजेशन एनर्जी, फिर क्या दिया है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये जी, प्लस क्या बेटा, लैटिस एनर्जी, टोटल यही एनर्जी ना। अब सबका जो सम होगा यही क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जिसमें से एक जो वाले कौन से हैं, ये माइनस में, ये माइनस में, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस। तो मैं ऐसे अगर इसको लिखूं, ध्यान से देखना, तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एच एफ इज इक्वल टू सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट प्लस बॉन्ड एनर्जी बाय क्या बेटा, टू। ये सब एनर्जी किस में, प्लस में, माइनस ऑफ डेल्टा एच ई जी प्लस क्या बेटा, लैटिस एनर्जी। अब किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन ध्यान से देखना, अगर ये पूरा एनर्जी क्या होगा, पॉजिटिव, ये एनर्जी क्या होगा, नेगेटिव, तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ओवरऑल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर किसी चीज़ के फॉर्मेशन में एनर्जी पॉजिटिव का मतलब एनर्जी तुम दे रहे हो तो कंपाउंड स्टेबल बन रहा है कि अनस्टेबल बन रहा है, अनस्टेबल बन रहा है। अगर कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है तो एनर्जी रिलीज होगा, तभी तो उस कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, तभी तो उसको तोड़ने में एनर्जी तुम दोगे, बोलो, है ना। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तुम्हारा क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। अब इसमें से अब मान लो हर स्टेप का एनर्जी तुमको दे दे,
और तुमसे इंथैल्पी और फॉर्मेशन पूछे तो निकाल सकते हो, या कोई भी हर स्टेप का देख करके किसी भी एक स्टेप का ना देगा तो भी निकाल सकते हो। कभी कभी तुमसे लैटिस एनर्जी भी पूछे तो निकाल सकते हो, बाकी इंथैल्पी और फॉर्मेशन में से इन सबको माइनस कर दोगे तो तुमको क्या निकल जाएगा, लैटिस एनर्जी निकल जाएगा। बोलो है ना। तो व्हाट इज लैटिस एनर्जी? ये जो कैटायन और एनायन एक दूसरे को जितना पास अप्रोच करेंगे तो जितना क्लोजर आएंगे उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, और जितना एनर्जी रिलीज होगी उतना ज़्यादा उस लैटिस का फॉर्मेशन स्टेबल होगा। बोलो हाँ ना। अब मान लो किसी एक लैटिस की मतलब फॉर्मेशन में 10 जूल एनर्जी रिलीज हो रही है और दूसरा कोई एक है जिसके फॉर्मेशन में 50 जूल एनर्जी रिलीज होगी, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? 50 जूल वाला, क्योंकि उसको तोड़ने में तुमको वापस से 50 जूल एनर्जी। समझ में आया? बॉन्ड एनर्जी को तुम दो तरीके से समझो, उसके फॉर्मेशन में जितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी, उसके फॉर्मेशन में जितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी वही उसकी बॉन्ड एनर्जी होगी। अब उस वो कब बना होगा तुम्हें क्या पता, तुम क्या करो उसको तोड़ के देखो, जितना एनर्जी उसको तोड़ने में लगेगा वो भी बॉन्ड एनर्जी होगा, और जिसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा वो ज़्यादा इसका मतलब स्टेबल होगा। बोलो ना है ना। क्या मेरी बात समझ में आई? ये बॉन्ड हैबर साइकिल समझ में आए कि हमने कैसे निकाला? पक्की बात। तो किसी भी आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में जो स्टेप बाय स्टेप एनर्जी का कैलकुलेशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड हैबर साइकिल। तो यहाँ पक्की बात, ये जो एनर्जी है इसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन एनर्जी, इसको आयनेशन एन्थैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसको क्या बेटा, लैटिस एनर्जी। इस एनर्जी एब्जॉर्ब पॉजिटिव, एनर्जी एब्जॉर्ब पॉजिटिव, एनर्जी एब्जॉर्ब, एनर्जी रिलीज, लैटिस में एनर्जी रिलीज निगेटिव। बोलो है ना। चलो अगर यहीं पे चलो प्रैक्टिस के लिए हम लोग दूसरा एक एग्जाम्पल ले लें। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ MgCl2 शॉर्ट में, क्या ले लूँ? तो किससे बनेगा, मैग्नीशियम सॉलिड प्लस क्या बेटा, गैस, क्या मिलेगा? बोलो है ना। इसका क्या होगा, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अपने को निकालना है। तो सबसे पहले इस सॉलिड को तुम कहाँ लाओगे, गैस में लाओगे, कहाँ लाओगे इसको, तो कौन सा एनर्जी, अब यहाँ से इसको कहाँ लाओगे, Mg प्लस को वापस लाना पड़ेगा Mg+2 में। ये कौन सा एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी 1, ये कौन सा एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, दोनों पॉजिटिव ही होगा। बोलो है ना। तो ये एनर्जी पॉजिटिव, ये एनर्जी, बोलो है ना। अब यहाँ तुम Cl2 को कहाँ लाओगे, दो Cl एटम गैस में, बोलो ये तो ऑलरेडी गैस में है, इसका 1 मोल है तो पूरा का पूरा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पूरा का पूरा लगेगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किस में, पॉजिटिव। अब दो क्लोरीन है तो दो एनायन बनेगा, बोलो ना है ना। तो क्या होगा इस केस में, बोलो है ना, तो इस केस में क्या होगा, ΔHEg, तो 1 मोल के लिए Eg, तो 2 मोल के लिए multiply by 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन ये एनर्जी कैंसर होता है, बोलो है ना। अब इन दोनों से जो क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा, अब यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगा उसको क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी होती तो क्या होगी, निगेटिव होगी। बोलो है ना। और क्या बनेगा, MgCl2, यही तो है ना MgCl2। अगर इस केस में इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिख दूँ, ΔHF लिखूँ, तो ध्यान से देखना, सबसे पहले क्या दिया, सब्लिमेशन, फिर IE1 प्लस IE2, क्योंकि डाइवेलेंट कैटायन बना रहे ना, फिर क्या आएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, फिर 2 × ΔHEg, लेकिन यहाँ पे याद रखना ये साइन क्या होगा, माइनस, प्लस, ऑलरेडी ये माइनस साइन लिख दिया। बोलो क्या मेरी बात समझ में आए, हाँ है ना। समझ में, स्टेप बाय स्टेप एनर्जी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कौन सा,
अब मान लो कि एक क्लोरीन से अगर एक क्लोरीन एनायन बना दो तो इसका क्या होगा, डेल्टा जी। तो टोटल दो एनायन चाहिए ना तुमको, तो दो बार ये प्रोसेस को करना पड़ेगा। ले लो, क्योंकि अपने को क्लोराइड आयन दो चाहिए ना, तो टू इंटू कर दो। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ या ना? यहाँ तक समझ में आ गया? अब मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, अब ये जो तीन एनर्जी लिखा हुआ है, सब्लिमेशन एनर्जी, अनेशन एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये तीनों एनर्जी कौन सा है? पॉजिटिव, मतलब एब्जॉर्ब एनर्जी है। तो कौन कौन सा? सब्लिमेशन, अनेशन और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये सब कौन सा है? बोलो भाई ना। डेल्टा एच ई जी एंड लैटिस एनर्जी, ये दोनों एनर्जी कौन सा है? रिलीज, मतलब ये निगेटिव, ये क्या बेटा? इंथैल्पी देखो, यही ना है कि एब्जॉर्ब माइनस रिलीज। बोलो भाई ना। तो अब डेल्टा एच एफ का वैल्यू, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या क्या हो सकता है? अगर ये एब्जॉर्ब एनर्जी रिलीज एनर्जी से ज़्यादा हो गई, यही हो सकता है ना, तो डेल्टा एच एफ की वैल्यू क्या हो सकती है? पॉजिटिव हो सकती है। बोलो है ना। तो एक पॉसिबिलिटी कि डेल्टा एच एफ की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है। दूसरा है, जो डेल्टा एच एफ है, अगर ये एब्जॉर्ब एनर्जी कम हो और रिलीज एनर्जी ज़्यादा हो जाए, तो डेल्टा एच एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? Negative. बोलो ना, है ना, क्या होगी? Negative. पक्की बात? Okay. तो डेल्टा एच एफ की वैल्यू क्या हो सकती है? नेगेटिव। बोलो है ना। तो कोई भी आयनिक कंपाउंड का क्रिस्टल कब ज़्यादा स्टेबल होगा? जब ये जो रिलीज एनर्जी, जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा, उस आयनिक कंपाउंड का क्रिस्टल उतना ज़्यादा होगा। अगर किसी का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव हो जाए, तो वो क्रिस्टल क्या हो जाएगा? अनस्टेबल होगा। क्या होगा? और ये क्या होगा? तो कभी भी किसी भी कंपाउंड के फॉर्मेशन में एनर्जी ओवरऑल क्या होना चाहिए? रिलीज होना चाहिए, डेल्टा एच निगेटिव होना चाहिए। अब कहता है डेल्टा एच जितना ज़्यादा निगेटिव होगा, वो आयनिक क्रिस्टल उतना ही ज़्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। पॉजिटिव हो गया मतलब अनस्टेबल, मतलब ये तीनों वैल्यू जो है एब्जॉर्ब एनर्जी रिलीज से क्या हो गई? ज़्यादा हो गई, तो अनस्टेबल होगा। हमेशा रिलीज एनर्जी एब्जॉर्ब से क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए, ओवरऑल एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। और जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन उतना ज़्यादा एक्जोथर्मिक होगा, वो आयनिक कंपाउंड उतना क्या होगा? ज़्यादा स्टेबल होगा। अब किसी में समझो 10 जूल एनर्जी रिलीज हो रही है और किसी में 50 जूल, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? 50 जूल। जितना ज़्यादा डेल्टा एच एफ की वैल्यू निगेटिव होगी, उतना ज़्यादा क्या होगा? क्रिस्टल स्टेबल होगा। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? कोई दिक्कत? यही था तुम्हारा क्या, आयनिक कंपाउंड या फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, जिसको हम लोग बॉर्न हैबर्ट साइकिल बोलते हैं। अगले क्लास में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आज के लिए यहीं तक बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।